सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल में। आई होप यू आप सब समझ गए होंगे इस थंबनेल को देखकर आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं नई वीडियो एडिट कैसे करें, वो भी टेम्पलेट के साथ। ठीक है, तो टेम्पलेट अगर वीडियो में जान डालना चाहते हैं, अगर वीडियो को अमेजिंग बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें टेम्पलेट का यूज़ ज़रूर करें। तो उस टेम्पलेट का यूज करने के लिए आप सही वीडियो देख रहे हैं। आप इसको सबसे पहले वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन आता है आपको न्यू प्रोजेक्ट का। ठीक, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है तो उससे उस पर आपको क्लिक करना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा कुछ आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। खुलने के बाद आपको यहाँ पर सबको सेलेक्ट नहीं करना है, बस आप YouTube पर बनाना चाहते हैं लॉन्ग वीडियो तो आपको YouTube वाला सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है। अगर नहीं चाहते हैं तो इसको आप जो भी चाहते हैं उसको बनाएं। हम चाहते हैं हम शॉर्ट्स वीडियो बनाएं। ठीक, तो शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक कीजिएगा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडिया ब्राउज़र खुल चुका है हमारा, जो हमारा मीडिया ब्राउज़र खुल चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीडिया ब्राउज़र आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीडिया ब्राउज़र खुल चुका है। इसमें से आपको सबसे पहले सिलेक्ट क्या करना है, आपको जाना है इमेज में। इमेज में जाकर आपको वहाँ पर सबसे पहले ब्लैक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको काट देना है। काट देने के बाद यानी निकल जाना है इसे बाहर। निकलने के बाद सबसे पहले आपको इंसर्ट करने के लिए आपको लेयर में क्लिक करना है। लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेयर में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक जैसे कीजिएगा आपको फिर से वही फाइल दिखाई देगा। अगर नहीं है आपके पास टेम्पलेट, अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टेम्पलेट वीडियो। आप टेम्पलेट वीडियो जैसे सर्च कीजिएगा वहाँ पे आपको आ जाएगा। तो हमारे पास टेम्पलेट वीडियो है, हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद जैसे हम इसको हम कोई भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं, हम चाहते हैं इसको चूज करें। ठीक, आप यहाँ पर जैसे क्लिक करें ओके दाबने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इसको साइज़ को बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपको पूरे तरह से इसको बैठा देना है। ठीक, राइट, इसको बैठाने के बाद हमें कुछ आपको इसमें करना होगा। जैसे हम इसको कर देते हैं, ठीक, उसके बाद हम सबसे पहले हम इसको इसका जो इसका ऑडियो है इसको सबसे पहले कम करेंगे। ठीक, क्योंकि इसका ऑडियो नहीं चाहिए हमें। इसको करने के बाद में सबसे पहले अब आइए, उसके बाद में आइए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए क्रोमा की दिख रहा है। ठीक, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको इनेबल कर देना है। ठीक, इसको इनेबल करने के बाद इसको बैक कर देना है। करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस हल्का हल्का दिख रहा होगा। ठीक, उसके बाद में आएंगे यहाँ पे जो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम जाएंगे जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, चमक रहा है मेरा फोटो, देख सकते हैं आप। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद में देखिए आप कैसे दिख रहा है, अच्छा से दिख रहा है ना। चलिए, आप इससे भी टेम्पलेट अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप दूसरा भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। चलिए हम एक और इस पर ऐड कर देते हैं। ठीक, ऐड करने के लिए फिर आपको जाना है लेयर पर जाने के बाद मीडिया में जाने के बाद न्यू इंसर्ट करने के बाद हम चाहते हैं ये वाला इंसर्ट हो। ठीक, इसको हम ऐड करेंगे। फिर इसको हम फिर साइज़ में हम इसको बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक, हम इसको ऐसे रखेंगे। ठीक, इसको सबसे पहले इसको हम ऑडियो को कम करेंगे। ऑडियो कम करने के बाद सबसे पहले उसके बाद आएंगे हम यहाँ पर क्रोमा की में इसको इनेबल कर देंगे। ठीक,
इनेबल करने के बाद इसको हम ब्लेंडिंग में जाएंगे। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको स्क्रीन कर देंगे, फुल स्क्रीन कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। दिखने के बाद आपको हम उसके बाद बैक कर देना है। बैक करने के बाद चलिए हम दिखाते हैं आपको चला कर कैसा दिखने वाला है टेम्पलेट वीडियो। चलिए हम शुरू से कहते हैं, चलिए कैसा आप देख रहे हैं कैसे फ़ोटो हमारा चमक रहा है। आप वीडियो में भी जान आ गई है, अमेजिंग दिख रही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितना स्मार्ट हैंडसम दिख रहा है ना फोटो, और वीडियो भी अच्छा दिख रहा है। ठीक, तो इसको हैंडसम बना दिए हम, फ़ोटो से वीडियो बना दिए कैसे। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही बना सकते हैं। जब हम बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? आप ज़रूर बना सकते हैं। हम चाहते हैं एक और जो टेम्पलेट है इसको हम ऐड करते हैं। इसको ऐड करने के लिए हम फिर से एक और टेम्पलेट का यूज करेंगे। इसको हम इसको आपकी बार यूज करते हैं। ठीक, तो इसको हम फिर से दबेंगे, इसको क्लिक करें, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, इसको हम सीधा कर देंगे। ठीक, सीधा करने के बाद में कुछ हम इसको सजा देंगे। ठीक, सजाने के बाद थोड़ा समय लगता है भाई, समय लगता है सजाने में। ऐसे सजा देते हैं जैसे कि चांद का जोरिया में, राइट, चांद का जोरिया में चांद को। सबसे पहले इसको हम आवाज़ को कम करेंगे। आवाज़ कम करने के बाद आपको पता ही है कहाँ करना है, कहाँ करना है, कहाँ करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे क्रोमा में। क्रोमा में आने के बाद आपको की को ऑन कीजिए, यानी क्रोमा की को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आपको ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको पता ही है क्या करना है, क्या करना है, फुल स्क्रीन पर दाब देना है। ठीक, दाब देने के बाद आपको जैसे दाबिएगा आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है। चांद हमारे सर के ऊपर आ गया है ना, सर के ऊपर नहीं रहना चाहिए, उसको अपने जगह पर रहना चाहिए। चलिए इसको हम थोड़ा देखते हैं इसको ऑप्शन को कर करके। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे लाइट पर दाबेंगे तो क्या दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्रीन पर दाब देंगे, उसके बाद में बैक हो जाएंगे। ठीक, बैक होने के बाद में हम कुछ इसको बैक हो जाते हैं उसको, इसके बाद हम कुछ यहाँ पर ये जो अल्फ़ा दिख रहा है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा अल्फ़ा। ठीक, अल्फ़ा दिखने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इसको कम कर दीजिए कैपेसिटी को। कैपेसिटी जो अल्फ़ा है, ओपेसिटी को इसको कम कीजिए। कम करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। ठीक, आने के बाद में आपको वीडियो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, राइट। तो वीडियो को चलाते हैं और देखते हैं कैसा हमारा जो फोटो से अमेजिंग वीडियो बना है। डेंटड़ा वाओ, क्या अमेजिंग वीडियो। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिल दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा दिल दिख रहा है, दिल दिख रहा है, चलिए दिखा दिया आपको दिल। और यदि फ़ोटो ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा ना। चलिए हम इसको गाना चाहते हैं लगाने के लिए, तो गाना पे यहाँ पे आएंगे। गाना पे आने के बाद म्यूजिक में म्यूजिक को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद म्यूजिक हमारा तो यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद में हमारा म्यूजिक कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। म्यूजिक को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते हैं कैसे, चलिए दिखाते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पर आइए, अब देखो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है प्लस का। प्लस का आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद बैक होने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा म्यूजिक, राइट, म्यूजिक यहाँ पर दिख रहा है। आपको इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद आपको इसे हटा देना है। हटाने के बाद सबसे पहले आपको आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए और वीडियो को शो कीजिए, चलाइए। और देखिए यहाँ पे वीडियो कैसा दिख रहा है, और वीडियो अच्छा से अच्छा दिख रहा है। ठीक, हम ऐसा कह सकते हैं वीडियो अच्छा दिख रहा है, मैं अपने अनुमान से कह सकता हूँ वीडियो अच्छा दिख रहा है। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, इतना सारे टेम्पलेट लगाए हुए हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं। एंड करने से पहले इसको सबसे पहले आप सेव कीजिए। सेव करने से पहले आपको यहाँ पे आइए
और इस फोटो को साइज के यहाँ पे इस जो लेयर है इस लेयर को आप कट कीजिए। कट करने के बाद इसको आप यहाँ से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ये जो बाहर का जो साइड है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, यानी कट हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे दिख रहा आपको आइकन दिख रहा होगा, सॉरी क्या हो गया, हाँ यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा। फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आइकन दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आइकन दिख रहा है, इसको आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा सारे रिसोलेशन आ जाएगा, फ्रेम रेट। आपको कुछ नहीं करना है, बस फुल HD चाहिए तो फुल HD में, या फिर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे 360 में सेव कर सकते हैं। जितना कम कीजिएगा आपको उतना ही MB कम मिलेगा। हम चाहते हैं इसको फुल HD में 1080p में दिखाई दे, तो आपको यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप आने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव ऑन। ठीक, सेव वीडियो पर, सेव वीडियो पर, देखिए सेव वीडियो यहाँ पे है, सेव करने के लिए वीडियो यहाँ पे, तो सेव करने के लिए सेव पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको, ऐसा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे आप इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। सही कह रहे हैं दोस्तों, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा आपका। जब तक वीडियो सेव हो रहा है तब तक के लिए आप क्या कर दें, आपको पता है क्या कहना है? जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, या वीडियो को लाइक करना है। जी हमारे लिए वही कर दीजिए, वही हमारे लिए टारे। जी हाँ दोस्तों, चलिए सेव हो गया है, हमारे वीडियो सेव हो जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा।